तो फिर दोस्तों व्हाट्सएप कौन नहीं इस्तेमाल करता, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस संभालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग अपने सोशल एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन नामक चीज को इस्तेमाल करते हैं। पर आज इस वीडियो को पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर अंत तक, क्योंकि आपको ये आज की वीडियो काफी ज्यादा खास और अमेजिंग होने वाली, क्योंकि मैं आपको बताने वाला टॉप बेस्ट अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ व्हाट्सएप, और ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इनमें से कोई भी नहीं पता होगा, या पता होगा तो बता दीजिए नीचे दिए गए कमेंट्स करके। और दो एक्स्ट्रा बोनस वाली टिप्स उनके लिए जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो फिर दोस्तों हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम श्रीवास्तव, यू आर वाचिंग टेक्नोफ्रेम सत्यम। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो फिर दोस्तों सबसे पहले वाले ट्रिक्स की बात करते हैं कि ब्लू टिक्स वाले टिक्स की। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के दोस्त होते होंगे जो बेफालतू में आपको इतने सारे मैसेज देख देते हैं और आप उनको देख भी लेते हैं पर उनको पता नहीं चलता कैसे रीड रिजर्व को ऑफ करके। पर ये एक ऐसा तरीका नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक भी चलता है कुछ समय के लिए। पर दोस्तों अगर बात करें आपके दोस्त की, तो अगर उसके इंटेलिजेंट आपसे एक लेवल ऊपर हो और वो उसने अगर आपको वॉइस मैसेज दिया है, तो अगर वॉइस मैसेज को आप खोलोगे डाउनलोड करोगे तो उसमें ब्लू टिक शो कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया है। पर दोस्तों एक और ट्रिक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने वो जो वॉइस मेल को उसको अपने घर के दूसरे डिवाइस में या दूसरे फैमिली मेंबर के डिवाइस में 2 मिनट के लिए लेके भेज सकते हो और उसके डिवाइस में जाके सुन सकते हो कि आपके दोस्त ने क्या भेजा है। इससे आपका भी काम बन जाएगा और उसको पता भी चलेगा कि आपने उसका मैसेज खोला भी। काफी अच्छा ट्रिक है ना, लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों अगली ट्रिक्स की ना बात करते हैं, तो दोस्तों आप में से बहुत से लोग व्हाट्सएप में टेक्स्ट तो आसानी से कॉपी कर पाते होंगे पर व्हाट्सएप के फोटो के नीचे वाले टेक्स्ट नहीं कॉपी कर पाते। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि फोटो को नॉर्मली ओपन कीजिए, उसके टेक्स्ट को जब विजिबल होगा तो उसमें क्लिक करके रखिएगा और जब उसमें कॉपी तो क्लिक हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और आपको अपने फोटो के नीचे वाले टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है ना। दोस्तों बात करते हैं अगले टिक्स की, वो आती है स्टेटस वाले को। यहाँ पे से बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते होंगे, फोटोज लगाते होंगे या वीडियोस लगाते होंगे अपने स्टेटस में। फोटोज लगाते होंगे तो ऑफकोर्स आपके 3-4 दोस्त होंगे जो उसका स्क्रीनशॉट मार के अपने स्टेटस में लगा लेते हैं। पर बात करें वीडियोस की, तो वीडियोस में अगर आप कोई अच्छी सी वीडियो लगाते हो, लोगों को पसंद आते हैं, तो लोग क्या करते हैं आपको कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि प्लीज मुझे भाई ये वाला स्टेटस दे दे या ये वाला वीडियो भेज दे। तब आप क्या करेंगे, आप वापस पे गैलरी में जाएंगे या वापस से उस बंदे के चैट बॉक्स में जाएंगे जिससे लिया था, और उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक और आसान वाली ट्रिक्स है कि आप अपना स्टेटस खोलिए, नीचे से ऊपर जाइए और जहाँ पे आपका डिलीट वाला बटन है उसके बगल में आजकल आ गया है शेयर वाला बटन, और उसको क्लिक करके आपको जिसको भी भाई बहनों को देना है दे दीजिए, और आपका काफ़ी ज़्यादा समय भी बचेगा। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक है, बहुत सारे लोग को नहीं पता था। और दोस्तों वीडियोस आपको बड़ा पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में चैनल में कमेंट भी करिएगा आपको कैसी लग रही है ये वाली वीडियो। अब दोस्तों बात करते हैं अगले टिक्स की, वो आती है अगर मान लीजिए आपके पास अभी एक नया नंबर आया है और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो और आपको नए नंबर ऑफकोर्स याद नहीं होते, तब कैसे करेंगे। व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा आसान ये चीज आ गया, आप अपने सेटिंग्स पे जाइए, वहां पे जाके QR कोड होगा आपकी ID के बगल, वहां पे क्लिक करिए और अपने दोस्त में सेम प्रोसेस करिए और वहां पे स्कैनर में जाइए और आप अपनी QR ID उसके डिवाइस से स्कैन कर सकते हैं और उसके पास ऑटोमेटिकली आपका ID और व्हाट्सएप की ID ऑटोमेटिकली आ जाएगा बिना किसी नंबर के आदान प्रदान के लिए। काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है और लिटरली बहुत ही जल्दी आया है ये ट्रिक, बहुत ही पहले आ चुका था पर किसी को नहीं पता था और लोगों को तो लग रहा था ये ऐसे ही आया है, पर इसका असली काम ये है। अब दोस्तों बढ़ते हैं बोनस वाली टिप पे, अब दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 5th वाली ट्रिक्स की। तो ये है कि आपको एक बंदे को भेजना है अपनी सारी चैट्स की, अगर मान लो आप का एक दोस्त है उसका व्हाट्सएप का डेटा क्रैश हो गया या फिर गायब हो गया, अब आपको जितनी भी आपके चैट्स है तो उसको वापस भेजना, तो क्या करोगे, एक सारे स्क्रीनशॉट थोड़ा लोगे और इसमें इतना सा टाइम और आपका कीमती वक्त भी वेस्ट होगा प्लस डेटा भी वेस्ट होगा। पर इसके लिए एक आसान सा चीज़ है, आप अपने व्हाट्सएप के उस ID में चाहिए जिसके साथ बात कर रहे हैं उस पर 3 डॉट होंगे, 3 डॉट में क्लिक करिएगा, उसमें नीचे आइएगा और यहाँ पर मोड में जा करने के बाद आपको लिखा होगा एक्सपोर्ट चैट। अगर आप एक्सपोर्ट चैट में क्लिक करोगे तो उसमें आएगा कि आपके मीडिया फाइल को भी एक्सपोर्ट करना है, मीडिया फाइल को एक्सपोर्ट भी नहीं करना है, तो आपकी मर्जी। अगर मीडिया फाइल को भी एक्सपोर्ट करना है तो मीडिया फाइल भी चले जाएंगे
और अगर चैट्स को एक्सपोर्ट करना है तो चैट्स का बटन दबाइए और आपके पास एक पीडीएफ बन के जाएगा उनके पास, और उसमें आपके डेट टाइम और डेट सेकेंड से लेकर सब लिखा होगा कि आपने किस समय किस तारीख को किस घंटे में ये चैट्स लिखी है, और उसका भी आएगा कि उसने कितने बजे ये चैट पढ़ ली। काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रिक है, इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बोनस ट्रिक्स की। तो बोनस ट्रिक बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और उसका एक कुछ 3-4 seconds का पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अपने दोस्तों को भेजोगे। अब अपने दोस्तों को भेजने के बाद तो अगर वो ये नहीं है कि वो उस पूरी वीडियो उसको पसंद आएगी, उस 3-4 seconds का पार्ट ही आपको उसको दिखाना है, तो क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड करोगे, उसको भेजोगे और इसमें आपको काफी ज्यादा समय वेस्ट होगा। तो आप ये कर सकते हो कि आप जैसे मैं दिखा रहा हूँ उस लिंक को करिए सेलेक्ट और अपने दोस्त को भेजिए, उसमें लगाइए कॉमा टी फॉर टाइम इज इक्वल टू जितना सेकंड्स का। फॉर एग्जांपल इस वीडियो का मुझे लेना है 0:03:05 और ये करके जैसे ही आप भेजोगे तो जब भी आप अपने दोस्त को ये करके भेजोगे तो जो आपका दोस्त हो वो जब भी जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेगा तो उसकी वीडियो वहां से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने इस वीडियो का टाइम लिखा गया है, और वो ये पार्ट इंजॉय करके आराम से चले जाएगा। ये नहीं कि उसको भी पूरा आपकी तरह वीडियो देखना होगा, और ये काफी ज्यादा टाइम सेविंग ट्रिक्स है। और दोस्तों बस मुझे लगा कि आपको बहुत ज्यादा पसंद और खास आया होगा ये व्हाट्सएप की टॉप 5 बेस्ट अमेजिंग ट्रिक्स एंड ट्रिप्स। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा, साथ में चैनल को ये वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिसकी वजह से हम ऐसी ऑसम वाली वीडियोस बनाते रहते हैं हर एक हफ्ते। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, माय नेम इज सत्यम श्रीवास्तव, यू आर वॉचिंग टेक्नो फ्रेम सत्यम, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।